नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिले में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। कोसी नदी एवं गंगा नदी खतरे के निशान पर। जिला मुख्यालय से सटे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हाजीपुर आवास बोर्ड 100 की संख्या में छोटी छोटी बच्चियां गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर। पूरे कैंपस के बाहर करीब 3 फीट पानी भर जाने से बच्चियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही जिला शिक्षा विभाग को जल जमाव की समस्याओं से अवगत कराया गया, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। वहीं बच्चियों ने बताया कि 6 महीने से वाटर प्यूरिफायर खराब होने से 3 फीट पानी में चलकर बच्चे चापाकल का पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि कैंपस का पानी दूषित हो रखा है। बाहर से कोई पीने का पानी कैंपस में ले जाने को तैयार नहीं। खतरनाक सांप और खतरनाक कीड़े निकल रहे हैं इस दूषित पानी से। वहीं शिक्षकों की लापरवाही देखी गई। छात्रा द्वारा ही स्कूल कैंपस का मुख्य द्वार का ताला खुलवाया जा रहा है, जबकि वहां टीचर की मौजूदगी भी है। एक दिन बाद 15 अगस्त को उसी कैंपस में किस तरह झंडोत्तोलन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खगड़िया से संवाददाता हुसैन। सर, यहाँ पानी से घिरा हुआ पूरा ये कस्तूरबा विद्यालय है, इसमें कितने 2 विद्यालय चलती हैं? नहीं नहीं, विद्यालय तो एक ही है, 100 बच्चियाँ रहती हैं जिसमें 25 जो है मूक बधिर बच्चियाँ हैं, 75 जो है सामान्य बच्चियाँ। ये पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है, यहाँ बच्ची को अगर किसी तरह का अगर जो है कोई तबीयत खराब हो जाए तो फिर कैसे आप उसका इलाज करवा सकते हैं? जी जी सर, इसका सूचना हम लोग जिले पर दे चुके हैं। अब पदाधिकारी जो है इस पर निर्णय लेंगे कि क्या किया जाएगा। जो है कब से पानी में घिरा हुआ है, कितने दिनों से? 2-3 दिन 4 दिन पहले से जो है, धीरे धीरे जैसे बरसात हो रही है ना, वैसे पानी का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। तो बड़े पदाधिकारी को सूचना दिया है? जी जी। कब दिए थे? 3 दिन पहले दिया जा चुका है। क्या मिला उधर से आदेश? तो और वहाँ से जिस टीम भेजे थे लोग देखने के लिए जो है, तो यहाँ लोग आए देख के गए जो है, वो लोग भी बोले कि हम लोग जो है अपने बड़े पदाधिकारियों के इसकी जो है जानकारी दे देंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। आप किस बच्चे को पढ़ाते हैं? मैं श्रवण निसर्ग बच्चियों को पढ़ाता हूँ जो सुनती बोलती नहीं है। कस्तूरबा गांधी जो है स्कूल, इसमें जो है पानी से घिरा हुआ, इसमें बच्चे लोगों को कितना दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है। मैं कभी बच्चे से पूछता हूँ तो वो बोलती है, और सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें इसी का पानी पीना पड़ता है, और हमें डर भी लगती है, सांप कीड़ा इत्यादि का डर लगता है। हम बहुत बार पूछे सर लोग से भी हम बातचीत की है, लेकिन किसी प्रकार का कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से क्या मतलब ये जो है कि नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है गरीब बच्चे? हाँ बिल्कुल, नज़रअंदाज किया जा रहा है, चूँकि सारे बच्चे बाहर के हैं और बहुत गरीब बच्चे हैं। जो भी कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ती हैं वो सब गरीब बच्चे हैं, और उसके माँ पिता तो यही विश्वास करके छोड़े कि मेरी बच्ची सुरक्षित बने, स्टूडेंट जो है सब सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो भेजे होंगे इसी आशा में। लेकिन उनको क्या पता कि इस प्रकार का जो है माहौल है यहाँ विद्यालय में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है। आप क्या हैं? मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हाँ ग्रामीण है, मैं बगल में ही हूँ रहता हूँ, और मैं बचपन से ही जानता हूँ इस विद्यालय को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ बिहार के साथ।